स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आरएमडी कोलकाता कार्यालय के समन्वय में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कोलकाता की छमाही बैठक बुधवार को केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान के प्रेक्षागृह में आयोजित की गई। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ एवं प्रथम महिला सुदेश धनखड़ उपस्थित थे। समारोह की अध्यक्षता सेल आरएमडी के कार्यपालक निदेशक पीसी नायक ने की। समारोह में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक रवि प्रकाश सिंह, सेल आरएमडी के कार्यपालक निदेशक आर मुनिराजू, भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के सहायक निदेशक निर्मल कुमार दुबे एवं अन्य अधिकारी गण उपस्थित थे। इस अवसर पर महानगर में स्थित भारत सरकार राजभाषा विभाग तथा सार्वजनिक उपक्रमों के विभिन्न कार्यालयों एवं हिंदी कक्ष के अधिकारियों को सम्मानित किया गया। राज्यपाल कोलकाता का एक विशेष स्थान है। कोलकाता को कहा जाता है कड़ी बोली हिंदी का जन्म स्थान। आचार्य केशव चंद्र सेन ने इसे राष्ट्रभाषा की संज्ञा दी थी। और आपको आश्चर्य होगा, राजभवन के पास में जो फोर्ट विलियम है वहाँ हिंदी की पाठ्य पुस्तकें तैयार की गई थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय में इसकी विधिवत पढ़ाई हुई है और पहला स्नातक यहीं के बंगला भाषी बने। हिंदी की पहली पत्रिका उदंत मार्तंड कहाँ से छपी? जहाँ आज हम बैठे हैं वही स्थान है। तब कोलकाता सांस्कृतिक राजधानी है। मैं मानता हूँ कि जरूर मैंने कुछ ऐसी तपस्या की होगी कि मुझे यहाँ का राज्यपाल बनने का सौभाग्य मिला। जो भी यहाँ आता है इतने समय के लिए आए, यहाँ से कुछ ग्रहण करके जाता है और वो आजीवन उसके पीढ़ी दर पीढ़ी काम आता है, ऐसा मुझे भी लग रहा है। आप सब लोगों ने भी महसूस किया होगा। सार्वजनिक उपक्रमों में प्रतिभा को आर्थिक लाभ उतना नहीं मिल पाता है जितना उनको मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ समय बदलेगा और ऐसा होगा। आप लोग जो लगे रहते हैं अपने काम में, किसी भी तरीके का हो, तकनीकी हो, प्रशासनिक हो, बड़ी गहराई का है, बड़ी लगन से है। भारत जैसे देश के अंदर यदि अगर हम समस्याओं से जूझने में कोई भी कमी कर देंगे, कोई भी कोताही कर देंगे, हम थोड़ा सा हमारा प्रयास कम कर देंगे और हम देखेंगे कहीं कोई अवरोधक आ गया है, तो ऐसा संभव नहीं है। क्या आप लोगों ने कभी कल्पना की थी? आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं मेरी तरह जिन्होंने जीवन का कार्य शुरू किया था, मोबाइल फोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, वो टाइपराइटर था, फोटोकॉपियर नहीं था, सब कुछ नहीं था, फिर भी हम थे। बदलाव आएगा, हिंदी के अंदर बहुत बढ़ोतरी होगी और मैं मानकर चलता हूँ पहली बार इतने पुरस्कार देते हुए मुझे एक सेकंड भी नहीं लगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। कहीं और होता तो मन में आता क्या पुरस्कारों की संख्या कम की जा सकती थी। मेरा मन मेरा कार्यालय बड़ी पैनी नजर रखता है कि राज्यपाल को एक संख्या से ज्यादा पुरस्कार नहीं देना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। परंपरा चली आ रही है, कई परंपराएं टूट रही है, मैंने कल देखी, दुख होता है, पर परंपराएं हमारे जीवन का एक ऐसा अंग है। पर यहां मैंने कर नहीं, जो लोग लगे हुए हैं, कई लोग हैं जिन्होंने जन्म से हिंदी देखी सुनी नहीं, कितना प्रयास कर रहे हैं, इसमें संख्या को अपने कम नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने कहा शायद कोई बचा नहीं होगा, कि जो बचा है उसकी वजह से कईयों को पुरस्कार मिला है।